दोस्तों स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र की रेमेडी। दोस्तों आशा करता हूँ सुखी संपन्न और समृद्ध होंगे। इसके साथ खुश रहना बहुत जरूरी, जो लोग खुश रहते हैं उनकी समस्याएं अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। चलिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं शरद पूर्णिमा, एक साल के अंदर 12 पूर्णिमा आती हैं, 12 महीने की एक एक पूनम। लेकिन 12 पूनम में सबसे महत्वपूर्ण पूनम ये शरद पूनम मानी जाती है, जो 9 अक्टूबर रविवार को आ रही है। दोस्तों ये पूनम महत्वपूर्ण होने के काफी सारे उदाहरण है। इसमें माता लक्ष्मी की, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा जो भी कर लेता है दोस्तों, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं हो सकती। धन तो आएगा ही, लेकिन पूनम की पूजा चंद्र की भी मानी जाती है। चंद्र भी अपनी पूर्ण 16 कला से उदय होते हैं और अपनी सारी शक्ति रोशनी के रूप में, चांदनी के रूप में बिखेर देते हैं। दोस्तों आपको मालूम है या नहीं है, जिसके भी ऊपर चंद्र की कृपा है दोस्तों, उसके जीवन में प्रेम प्यार की हर मार होती है। चंद्र जिसके मजबूत हैं उसका पार्टनर या बहुत सारे लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। तो आज चंद्र 16 कला से विकसित होंगे, तो ये पूनम की रात बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं इस वीडियो में आपको पूनम की रात का ही एक बहुत ही साधारण उपाय बताने जा रहा हूँ, जिसको टोटका भी कह सकते हैं, जिसके करने मात्र से आपके ऊपर चंद्र की कृपा बरसेगी, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा बरसेगी और माता लक्ष्मी तो साक्षात आपके घर में प्रवेश करेंगी और निवास स्थान बनाएंगी। तो ये शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अगर मेरी चैनल की मुलाकात आप पहली बार ले रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। किसी और का भला अगर कहीं होगा तो उसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों आपको करना क्या है, 9 अक्टूबर रविवार 2022 शरद पूनम, इस पूनम में ये उपाय महिलाएं भी कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकते हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं मन ही मन और आप उससे शादी करना चाहते हैं, या फिर आपका पति है या पत्नी है, आपके बीच में कोई डिस्प्यूट है, बन नहीं रही है, तो इस उपाय को करने मात्र से आपके दोनों के बीच में बहुत बढ़िया तालमेल होने लग जाए। तो आप नहा धो के स्वच्छ हों और स्वच्छ कपड़े पहनें। आपको रात को जब चांद निकल आए पूरी अपनी 16 कलाओं से चांद जब विकसित हो 7, 7:30 या 8 बजे के बाद आप ये उपाय करें। आपको 7 ग्लास ले लेना है या लोटा ले, उसमें स्वच्छ पानी भर लेना है और आपको एक हल्दी की साबुत गांठ ले लेनी है, हल्दी की, और 1 रुपए का आपको एक सिक्का ले लेना है। दोस्तों सिक्का स्वयं लक्ष्मी का रूप है और हल्दी भगवान श्री हरि विष्णु को और माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है।
हल्दी के बहुत सारे उपयोग बताए गए हैं। आयुर्वेद में भी धार्मिक दृष्टि से आपके खान पान की दृष्टि से सब तरह से हल्दी बहुत ही उपयोगी मानी है। हल्दी की आप एक साबुत गांठ ले लें और एक रुपए का आप सिक्का लें और एक ग्लास में स्वच्छ जल भरें और या तो आपके घर में कहीं चांद की रोशनी पड़ती है तो आप उस जगह खड़े हो जाएं जहां चांद की पूरी तरह चांदनी बिछी हुई हो, आपके ऊपर पड़ रही हो और आपने जिस पात्र में जल लिया है उस जल के लोटे या पात्र पे रोशनी आ रही हो चांद, ऐसी जगह आपको खड़े होना है। अगर घर में नहीं है तो आप अपनी छत पे चले जाएं या कहीं खुले में आप इस क्रिया को करें। आपको वो जो लोटा में जल लिया है उसके अंदर सबसे पहले हल्दी की गांठ डाल दें, उसके बाद आपको एक रुपए का सिक्का डालना है और आपको तीन बार बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कौन सा मंत्र बोलना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायण का मंत्र है। बस आपको तीन बार ये मंत्र बोलना है। भगवान श्री हरि विष्णु का आपने मंत्र बोला है, मतलब चंद्र भी खुश और माता लक्ष्मी भी खुश। बस उस लोटा को आप खुला हुआ, उसको ढकना नहीं है, और आप वहां रख दें। पानी का चंद्र का बहुत गहरा संबंध है, तो चंद्र की कृपा प्राप्त करने के लिए आपने उस लोटा में जो जल भर के रखा है पर्याप्त है, उसको रख दें और पूरी रात चंद्र की रोशनी में या चांदनी में वो लोटा रखा रहने दें, उस पर चंद्र की रोशनी पड़ती रहे। दोस्तों, आपने जो भी सामग्री डाली है उसमें चंद्र की पूरी कृपा उतर जाए, अभिमंत्रित हो गई वो चीज, ये पूनम इतनी पावरफुल है। और बस सुबह सोमवार के दिन, सोमवार का दिन भी चंद्र का दिन है, आप उस लोटा के जल को या तो तुलसी में चढ़ा दें या किसी पवित्र पेड़ में, पीपल में, आम में या कोई फूलों के पौधे में उस पानी को चढ़ा दें और वो हल्दी की गांठ और एक रुपए का सिक्का आप कोई सफ़ेद कलर का रूमाल लें उसमें रख के और उसकी गांठ बांध दें, या तो आप अपने धन स्थान में रख दें या फिर पूजा स्थान में, या घर में कोई भी ऐसी सुरक्षित जगह हो वहाँ रख दें। दोस्तों, पैसे आपके यहाँ बहाना मार मार के आएंगे, आपके घर में जो कले कंकास है, आपस में मतभेद है, वो सारे दूर हो जाएंगे और एक दूसरे से प्रेमपूर्ण व्यवहार होने लग जाएगा। तो आप इस क्रिया को करके देखिए, आपकी 90% समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। करते रहिए इसको समझने में, अगर आपको कहीं कोई असुविधा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछें। बस नमस्कार।